जेलों च कैदियों को रखा जाता है ता जो उन्होंने बनती सज़ा उन्होंने मिल सके, उन्होंने विहार च बदला आ सके। इसलिए जेलों को सुधार घर भी कहा जाता है। पर पिछले कुछ सालों तो देखा जा रहा है कि जेलों च जाने वाला अपराधी गैंगस्टरों के लिंक आ जाता है तो जेलों तो बाहर आ के इन्हां गैंगस्टरों लई काम करना शुरू कर दिंदा है। अते दूजा ये जेलां गैंगस्टरां दा दूजा घर बन चुकियां ने जिथे रह के ये बाहर अपने गुरगियां तो वारदातां नूं अंजाम दवांदे ने ते जेलां च आप सुरक्षित बैठे ने। पर एक इहोजी खबर सामने आई है जिथे एक गैंगवार के दौरान एक गैंगस्टर दा गोलियां मार के कतल कर दिता गया है ते ये गैंगवार जेल दे अंदर हुई है जिथे एक वड्डे गैंगस्टर दे करीब 7 गोलियां मारियां गईयां ने। धनबाद दे साबका डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों के कतल के मामले में जेल में बंद वड्डे गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मार के हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी की मनीए तो अमन सिंह नूं करीब 6 से 7 गोलियां मारिया गई ने, जिस तों बाद अमन सिंह नूं खून नाल लथपथ हालत में होस्पिटल ले जाया गया जिथे डाक्टरों ने उसनों मृतक ऐलान दिता। अमन सिंह नूं गोली लगन की सूचना तो बाद पुलिस अधिकारियों की टीम मामले की जांच लई धनबाद जेल पहुंची। धनबाद जेल च बंद होने के बावजूद अमन सिंह नूं गोली मारन ने जेल के सुरक्षा प्रबंधों से सवाल खड़े कर दिए ने। सूत्रों की मनीए तो अमन सिंह जेल में चल रही गैंगवार का शिकार होया। दसिया जा रहा है कि अमन सिंह जेल च रहिंदिया बाहर वारदातों को अंजाम दे रहा है। धनबाद में नीरज कतलकांड तो बाद अमन सिंह खिलाफ 4 होर कतल केस दर्ज किए गए थे। इस तों इलावा अमन सिंह के नाँ पर दर्जना जबरी वसूली के केस भी दर्ज थे। पुलिस रिकॉर्ड में अमन के नाँ पर 35 तो वध अपराधिक केस दर्ज थे, जिस तों बाद साल 2017 च साबका डिप्टी मेयर नीरज समेत 4 लोगों के कतल के दोष में अमन सिंह को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमन 2017 तो धनबाद जेल में बंद थी। अदालत में पेशी दौरान अमन सिंह ने अपनी जान के खतरे का खदशा कोर्ट च भी जाहिर किया। मैं आशीष रंजन छोटू सिंह जो अमनवास का हत्या हुआ अंदर में मैंने करवाया, ठीक ना। प्लानिंग बहुत दिन से था, उसको पेशी पे मारने का भी प्लानिंग था, लेकिन बाहर आ, ठीक है। मैंने उससे बात भी किया, वो बोला भाई मिल के काम कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मिल काम करें, लेकिन मारना तो था उसको। हमको लड़का भेज के अंदर मरवाए हैं, और लड़का का बयान से क्लियर भी हो जाएगा। जब वो नाम लेगा मेरा तो पूरे धनबाद का जिला वो क्लियर हो जाएगा किसने मरवाया, ठीक है। मैंने ही उसे पिस्टल उसे सब मैंने उसे मुहैया करवाया था, ठीक है। और एक यार बात बताना चाहता हूँ कि धनबाद किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। क्या अगर लुट चले, अमन सिंह को अपना भाई मानते थे, बड़ा भाई, लेकिन हमको मारने का सोचा, हमको मरवाने का सोचा चंद पैसों के लिए। तो हम मेरे प्रति कोई सोचे तो कभी नहीं छोड़ेंगे, और मेरे प्रति या मेरे किसी एक आदमी के प्रति कोई अगर सोच देगा तो कभी जिंदा नहीं रहेगा। कितना बड़ा आदमी कितनी व्यवस्था में रहे, जेल में था ना जी, इतना व्यवस्था में मर गया ना। हैं कैसे मारा, पिस्टल से मारा, उसी का दिया बंदूक से उसी को मरवाए। ऐतवार दोपहर करीब 3 बजे अमन की गोली मार के हत्या कर दी गई। अमन ते 7 तो वध गोलियां चलाईयां गईयां, जिस विचों 2 गोलियां उसके सिर च मारियां गईयां। घटना तो बाद पुलिस के सारे उच्च अधिकारियों ने जेल पहुँच के जांच शुरू कर दी है। थानू एक बार फिर दस दिए कि जेल च बंद गैंगस्टर अमन सिंह का 7 गोलियां मार के कतल कर दिता गया, जिस विचों 2 गोलियां उसके सिर च मारियां गईयां ने। तो यह सी इस समय की वड्डी क्राइम अपडेट। तो मिलते हैं किसी होर अपडेट के नाल, उदों तक जुड़े रहो चैनल PME News के नाल।